मित्रों आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सिंह अपने चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो मित्रों ये देखिए ध्यान से, ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, ये भारी बारिश के कारण हुआ है, जिसे नदियां एकदम भर गई हैं और दूर दूर तक पानी का जमाव हो गया है। अब ये पानी का ठहराव हो रहा है और पानी एक जगह रुक रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों का प्रकोप जारी है, विशेष रूप से स्किन इन्फेक्शन और फीवर जैसी बीमारी। तो आप स्वस्थ रहें, इस मौसम में अलर्ट रहें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ दवा आपको बताएंगे जिसका सेवन आप करिएगा ताकि आप स्वस्थ रह सकें, और विटामिन सी युक्त आहार लीजिएगा, स्वस्थ भोजन लीजिए और थोड़ा सा अलर्ट रहिए और स्वस्थ रहें आप। तो मित्रों अभी आपने देखा बारिश का मौसम चल रहा है, सभी जगह बारिश हो रही है और यह बारिश का पानी जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, और इस रुके हुए बारिश के पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं और यह मच्छर जो है वायरल फीवर का कारण बन रहे हैं, और इस समय विशेष रूप से डेंगू फीवर का प्रकोप चल रहा है, संक्रमण चल रहा है। तो आपको डेंगू फीवर को रोकने के लिए आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में होम्योपैथ की दो दवा लेनी है। एक दवा यूपेटोरियम पर्फ 200, दूसरी दवा बैप्टीसिया टिंक्टोरिया 200। ये दवा सप्ताह में दो बार अपने जुबान पर लेना है। एक दवा पांच बूंद जुबान पर ले लीजिएगा तो 10 मिनट रुक के दूसरी दवा ले लीजिएगा, पांच बूंद जुबान पर गिरा लीजिएगा। यदि दवा कड़वी लगती है तो आधे चम्मच पानी में डाल के आप ले लीजिएगा, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको ये दवा दीजिएगा। इससे डेंगू का जो संक्रमण है काफ़ी हद तक आप सेफ हो जाएंगे। ये आपको कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इसका आप प्रयोग करिएगा। प्रत्येक रेनी वेदर में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसको आपने जान लिया। अब आप ये जान लीजिए डेंगू फीवर, डेंगू फीवर वायरल फीवर होता है और यह एडीज एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है, और यह मच्छर कामनली दिन में ही काटता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है डेंगू फीवर से तो ये मच्छर उसको काट के यदि नॉर्मल व्यक्ति को काट लेगा तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। इस तरह से इसका संक्रमण बहुत तेज से फैलता है डेंगू फीवर का। जब ये काटेगा या जब आप संक्रमित होंगे डेंगू फीवर से तो 5 से 6 दिन में आपके अंदर जो सिम्टम आएंगे उसको जान लें। हेडेक, सर दर्द, हाथ पैर और पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि जो बदन है हाथ पैर में बहुत तेज दर्द होता है पूरी बॉडी में, और तेज बुखार रहेगा, हल्की ठंडक लगेगी, शरीर पे लाल लाल चकत्ते दाने भी आ जाते हैं। इसके बाद वोमिटिंग और वर्टिगो भी इसके लक्षण आ जाते हैं, और ये देखा जाता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। यदि प्लेटलेट काउंट 1 लाख के ऊपर है तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए हमने फार्मूला बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप उसका लिंक इसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसको आप देख लीजिएगा, और जो दवा बता रहे होम्योपैथ का उसको आप कर लीजिएगा, आप सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे डेंगू फीवर से। आप सबसे पहले यूपेटोरियम पर्फ रश टाक्स और जेलसीमियम तीनों दवा की 30 पोटेंसी लेकर आइएगा। दिन भर में इसको 4 बार लेना है, 5-5 बूंद डायरेक्ट जुबान पर लेना है। एक दवा लेकर 5 मिनट बाद दूसरा, फिर 5 मिनट बाद दूसरा। इस दवा के साथ आपको लेनी है एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर और ओसिमम सैग और यूकेलिप्टस, 3 मदर टिंचर आपको एक साथ मिला लेना है। 15-15 ml ये दवा मदर टिंचर लेकर आइएगा, एक में मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके बाद इसको 20 बूंद दिन में 3 बार पीना है, आधे कप पानी में डाल के। यदि आप का प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे है, 50,000 से नीचे आ गया है, तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनसे कांटेक्ट में रहना होगा, क्योंकि यदि प्लेटलेट काउंट
गिर जाता है 20,000 से नीचे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इंटेस्टाइन से, यूरिन से, तो उसके लिए हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है। लेकिन यदि 1,00,000 से ऊपर आपका प्लेटलेट काउंट है तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दवा आप कर रहे हैं कोई प्राकृतिक दवा या डेंगू फीवर की, तो उसके साथ जो हमने दवा बताया है आप उसको ले सकते हैं। इस तरह से आप डेंगू फीवर को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।